बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आपको अध्याय 3 इतिहास का अध्याय 3 भारतीय सभ्यताएं इसके अंतर्गत आपको लघु प्रश्न, अभिलघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न ये आपको बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं और समझाए जाते हैं। अब आपका नेक्स्ट वर्क आता है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य सबसे पहले अभ्यास कार्य में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाए। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे और जो सही ऑप्शन है उसके आगे आपको टिक करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, हड़प्पा, के हड़प्पा, बी रोपड़, सी लोथल। लोथल और डी काली बंगा। अब आपको इनमें से जो उपयुक्त ऑप्शन है उस पे टिक लग करता, जैसे हड़प्पा, रोपड़, लोथल और काली बंगा। चारों ऑप्शनों में सबसे उपयुक्त ऑप्शन क्या मिल रहा है? सबसे उपयुक्त ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है? बुक रीड की भी वो होगी, आपने हमने बताया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसलिए हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नगर की खोज की गई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसमें से आपका क्या सही है? हड़प्पा, ठीक है। सिंधुवासी निपुण थे, सिंधुवासी निपुण थे।
निवासी किस चीज में निपुण थे? के किस चीज में निपुण थे? हाथ कला में। घी लकड़ी की कला में, और डी ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है सिद्धवासी किसमें निपुण थे? रात कला में, मूर्ति कला में, लकड़ी की कला में, इनमें से कोई। आपको पढ़ाया गया है सिद्धवासी हाथ कला में निपुण थे। लकड़ी की कला नहीं जानते थे, मूर्ति कला जानते थे, लेकिन हाथ कला में निपुण थे। मूर्ति की कला जानते थे, लकड़ी का की कला भी जानते थे, लेकिन सबसे ज्यादा क्या जानते थे? धात कला। धात कला में हम ठीक करते थे, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है सिंधुवासी पीपल के पेड़ को मानते थे। थर्ड नंबर है सिंधुवासी पीपल के पेड़ को मानते थे। ए पवित्र, बी अपवित्र, और डी ये सभी। ठीक, वो पीपल के पेड़ को सिंधुवासी मानते थे। पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में आज भी पवित्र माना जाता है, और ये क्यों माना जाता है? क्योंकि पीपल विश्व में पीपल ही एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है, और यह ऑक्सीजन मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। तो सिंधुवासी पीपल के पेड़ को पवित्र, अपवित्र, उपयोगी, ये सभी। तो इनमें से उपयोगी और पवित्र ये दोनों मिल रहे हैं, लेकिन ये नहीं मिल रहा तो ये सभी नहीं हो सकते। उपयोगी उपयोगी मानते थे, लेकिन इससे ज्यादा ये पवित्र था। चार ऑप्शन होते हैं, चार ऑप्शन में आपको जो बढ़िया ऑप्शन हो, सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, उसी को चूज करना पड़ता है। तीन ऑप्शन तो आपको कंफ्यूज करते होंगे। एक ऑप्शन जो होता है वो सही होता है, एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो होता है वो लगता है कि नहीं ये भी सही उपयोगी है। पीपल का वृक्ष हमारे लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। लेकिन सिंधुवासी
पीपल के पेड़ को क्या मानते थे? पवित्र मानते थे। सबसे अच्छा आंसर इसका पवित्र है कि उसमें हम पवित्र में ठीक करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, चौथा नंबर है, धार्मिक अवसरों पर सामूहिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था। धार्मिक अवसरों पर सामूहिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था। धार्मिक अवसरों पर स्नान के लिए सामूहिक स्नान के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? नंबर एक सभागार। ये आंसर नहीं है, ये आपके ऑप्शन है, अब आपको इसमें बताना है क्या सही है। हाँ देखिए, धार्मिक अवसरों पर सामूहिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग होता था? सभागार का। हमने आपको सभागार बताया है, सभागार में क्या होता था? ये उस समय जो सभागार थे वह आज के गेस्ट हाउस और लॉज है। तो सभागार में क्या होता था? धार्मिक कार्य होते थे, त्योहार मनाए जाते थे, सामूहिक त्योहार मनाए जाते थे, सभाएं होती थी, ठीक है। तो ये सही नहीं है। दुर्ग, दुर्ग क्या था? जो मानव सभ्यताएं होती थी वो अपने निवास के लिए और दुश्मनों से रक्षा के लिए एक किले का निर्माण कराती थी, दुर्ग का निर्माण कराती थी, जिसके चारों तरफ चार दीवारी होती थी। दुर्ग ऊंचे स्थल पर बनाए जाते थे, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार भी बताया आपको, विशाल स्नानागार में धार्मिक अवसरों पर स्नान किया जाता था और इसमें स्त्रियों के कपड़े बदलने के लिए छोटे छोटे कमरों की भी व्यवस्था होती थी। तो इसमें विशाल स्नानागार सही है। अन्न कोठार है, अन्न कोठारों में क्या होता था? इसमें अनाज रखने की व्यवस्था होती थी और ये अन्य कोठार अधिकतर नदियों के किनारे बनाए जाते थे, ठीक है। तो आपका ये सही विकल्प कंप्लीट हो गया, ठीक है।